हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है नई वीडियो में। आज की वीडियो बताने वाली है स्क्रीन टाइम कस्टमाइज़ कैसे करें। फ्रेंड्स, जैसे कि आपका स्क्रीन 52 मिनट में ऑफ़ हो जाता है, आप चाहते हो ऑफ़ ना हो, थोड़ी देर और रुक जाए, तो उसके लिए आपका स्क्रीन टाइम को कस्टमाइज़ करना होगा। और फ्रेंड्स, उसको ऑटो स्क्रीन ऑफ़ भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक और बात बताना चाहूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ में घंटे का ऑप्शन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, मेरे पास है ओप्पो A52। और फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको स्टिक इंटरफेस नजर आएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको डिस्प्ले ब्राइटनेस पे क्लिक करना है। और फ्रेंड्स, इसके बाद आपको यहाँ देखिए ऑटो स्क्रीन ऑफ, आप इस पर क्लिक करेंगे। और फ्रेंड्स, इसी को हम स्क्रीन टाइम भी कहते हैं। आप 30 सेकेंड का रखना चाहेंगे, 1 मिनट का या 2 मिनट का। फ्रेंड्स, जैसे कि आप 1 मिनट का रखना चाहेंगे तो 1 मिनट का सेट हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुई है। और फ्रेंड्स, पर मैं 30 मिनट का रखना चाहूँगी और ये मेरा 30 मिनट का सेट हो चुका है। जब आप यानी कि आप कहीं जाओगे तो आपका ये स्क्रीन बहुत देर में ऑफ होगा 30 मिनट बाद। और इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में स्क्रीन टाइम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप पे डिपेंड जाता है आप कितना रखना चाहेंगे, 2 सेकेंड या 30 मिनट या 1 मिनट या 2 मिनट, आप पे डिपेंड जाता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं तो 30 मिनट का रखना चाहूँगी क्योंकि मैं इतनी चाहती कि जल्दी जल्दी ऑफ हो जाए स्क्रीन। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में स्क्रीन टाइम आउट को मतलब कि स्क्रीन टाइम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आई होप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।